हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी दुनिया में जब भी कपूर खानदान का नाम आता है तो उनकी बेटियों की भी चर्चा होती है। कपूर खानदान की बेटियों में से एक है रिद्धिमा कपूर। वैसे तो रिद्धिमा कपूर बॉलीवुड के चकाचौंध से दूर ही रहती है, लेकिन क्योंकि वो कपूर खानदान की बेटी है इसलिए कभी कभी मीडिया में उनका नाम भी आता रहता है। रणवीर कपूर की बड़ी बहन रिद्धिमा ने 26 साल की उम्र में 2006 में दिल्ली के बिजनेसमैन भारत साहनी से शादी की। ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी 22 जनवरी 1980 में हुई थी और इसी साल 15 सितंबर को उनके घर में रिद्धिमा का जन्म हुआ था। इसके 2 साल बाद 28 सितंबर 1982 को रिद्धिमा के छोटे भाई रणवीर कपूर का जन्म हुआ था। रिद्धिमा और कपूर खानदान की एक अन्य बेटी करीना की पैदाइश में बस 6 दिन का अंतर है। कहा जाता है कि दोनों के जन्म के बाद घर के बड़े राज कपूर ने कहा था कि मेरे घर रिद्धि सिद्धि आई है। पिता के इसी कथन को ध्यान में रखते हुए ऋषि कपूर ने अपनी बेटी का नाम रिद्धिमा रख दिया। रिद्धिमा आज एक सफल बिजनेस वुमेन है। उसका ज्वेलरी का बड़ा काम है और ज्वेलरी नाम से रिद्धिमा का ज्वेलरी ब्रांड है। आज उनका ब्रांड पूरी दुनिया में मशहूर है। वो फैशन इंडस्ट्री में जाना माना नाम है। वो फैशन डिजाइनिंग के अलावा ज्वेलरी भी डिजाइन करती है। अपनी ज्वेलरी के विज्ञापन के लिए मां नीतू सिंह के साथ कई मैगजीन के कवर पेज पर दिखती रहती है। जैसे कि हम बता चुके हैं, रिद्धिमा ने 25 जनवरी 2006 को अपने दोस्त और दिल्ली के बिजनेसमैन भरत साहनी से शादी की है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि दोनों की मुलाकात 1997 में लंदन में हुई थी। इसके बाद दोनों 2001 में मुंबई में एक बार फिर मिले। दोनों में मेलजोल बढ़ता गया और 5 साल तक एक दूसरे को समझने के बाद दोनों ने शादी कर ली। एक बार अपने और पति के रिश्ते के बारे में रिद्धिमा ने मीडिया से कहा था कि शादी एक टू वे रोड है। आप सिर्फ अपने पार्टनर से उम्मीद नहीं रख सकते और ना उसका पार्टनर आपसे उम्मीद रखेगा। इसमें बहुत कुछ खोना और पाना होता, लेकिन जरूरी है कि हम दोस्त बनकर रहें। मेरी और मेरे पति के रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से हुई थी। आज भी हम अच्छे दोस्त हैं। 2011 में 23 मार्च को दोनों एक बेटी के माता पिता बने। इनकी बेटी का नाम समारा साहनी है। रिद्धिमा अपने पिता ऋषि कपूर से बेहद प्यार करती है। हाल ही में फादर्स डे पर उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था। Hi Papa, here's wishing you a very happy Father's Day to my real life hero. I love you. दोस्तों, जैसे कि खबरों में आ ही चुका है कि ऋषि कपूर न्यूयॉर्क में कैंसर का इलाज करा रहे हैं, उनके जल्दी भारत लौटने की खबरें आ रही हैं। रिद्धिमा कभी कभी मीडिया से बात भी करती रहती है। हाल ही में मीडिया से बातचीत में वे भाई रणवीर कपूर और आलिया के रिश्ते के बारे में भी बोली थी। उसने कहा था कि अगर रणवीर इस रिश्ते से खुश है तो एक बहन के तौर पर मैं भी खुश हूँ। रिद्धिमा अपनी माँ नीतू सिंह के भी बेहद करीब है। वह अपनी माँ के बारे में कहती है, मेरी माँ ही मेरी आइकन और रोल मॉडल है। वो मेरी स्टाइल गुरु है। अगर मुझे कहीं बाहर भी जाना होता है तो अपनी तस्वीर उन्हें भेजती हूँ ताकि मुझे बोल पाए कि मैं ठीक लग रही हूँ। रिद्धिमा अपनी फिटनेस को लेकर भी जागरूक रहती है। वह सोशल मीडिया पर अपने वर्कआउट के वीडियो और फोटो भी शेयर करती रहती है। तो दोस्तों, ये थे रणवीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर साहनी के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। आप बने रहे YRY18 लाइव के साथ।